चलो जी, माय पेशेंट रिमेन नॉन कंप्लायंट विद हेमटेनिक्स थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड नाउ शी इज एडमिटेड इन वार्ड. सो आई विल गिव. आपने सीरम फेरिटिन नहीं कराया इसका? आई विल कंप्लीट करवाया था. नो आई नहीं कराया. आपको कैसे सुनाई दे क्या? तो अगर 10.2 हीमोग्लोबिन इसकी थी तो फिर पूरा वर्क ऑफ फॉरेन एमिया भी जरूरी हो जाता है. आरबीसीज इंडिसेस क्या शो करते हैं इसमें? तो फिर सीरम फेरिटिन करवाना बनता है ना? यस. हाँ, कितना था सीरम फेरिटिन? अच्छा ठीक है, सीरम फेरिटिन आ जाता है 6. फिर देन मैम आई विल एज माय पेशेंट इज एडमिटेड एंड शी रिमेन नॉन कंप्लायंट फॉर हेमेटिनिक. कोई ऐसी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की टाइप है जिसमें सीरम फेरिटिन बहुत ज्यादा हो और हीमोग्लोबिन कम हो? मैं आयरन डेफिशिएंसी की बात कर रही हूँ. इस पे सोचो, गौर करो. हाँ जी चलो. एंड शी रिमेन नॉन कंप्लायंट थ्रू प्रेगनेंसी फॉर हेमटेनिक्स सो एंड नाउ शी इज एडमिटेड सो टू एंश्योर एंड फॉर डेफिनेटिव एडमिनिस्ट्रेशन आई विल गिव हर 2 डोजेस ऑफ इंजेक्टेबल आयरन. व्हिच इंजेक्टेबल आयरन? आयरन स्क्रूज. आयरन स्क्रूज. अच्छा. And as one dose of injectable iron raises the hemoglobin by 0.8 gram per deciliter, my patient has 10, so my aim would be to give her 2 doses. And after optimizing her health, and once all her clinical concerns are addressed, I will discharge this patient with the advice to come for follow-up visits on weekly basis. अभी तो आपने उसको admit कर लिया, class 4 है, उसको admit करना चाहिए या घर भेजना चाहिए? Once she is stable and she will be admitted till 3 or 4 को discharge. नहीं करती. पेशेंट रहती कहाँ पे है? पेशेंट के 6 बच्चे घर पे हैं जी. इस वक्त स्टेबल है जी. फिर क्या करोगे? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अगर ये पेशेंट प्राइमरी होती तो आप रख लेते. ठीक है, 1 आवर की ड्राइव है, लेकिन व्हाट अबाउट द होम हेल्प अवेलेबल? सपोज शी डेवलप्स कॉन्ट्रैक्शन ऑल ऑफ अ सडन और सम सॉर्ट ऑफ दिस इमरजेंसी, इन हाउ मच शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल टाइम शी कैन रीच हॉस्पिटल? I have not asked the patient, but help was not available as her husband is a tailor by profession and she they live on in their own house rented and they live in the rented house without any other help and only with her children. So I don't think so, that there is any help which will bring her, because maternal life and health is top priority. क्योंकि अगर तो पेशेंट को आप ये नहीं इंश्योर, आपको नहीं कर सकती कि वो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आ सकती है जल्दी, तो फिर तो आप उसको रखेंगे ही रखेंगे कंसीडरिंग ऑल द अदर बैरियर्स के 6 बच्चे उसके घर पे हैं, सम रिलेटिव कैन स्टे विद देयर. लेकिन इस पेशेंट की कंडीशन ऐसी है विद द प्रीवियस 2 सिजेरियन सेक्शंस नाउ एट 34 वीक्स एंड अ क्लास 4 कार्डियक स्टेटस, तो फिर इसको ज़्यादा सेफ्टी इसमें है कि आप इसको अपने पास एडमिटेड रखो. 3 वीक्स एडमिट रखेंगे इसको? मतलब इसमें देखो, आपने सेफ्टी को देखना, सेफ्टी एंड रिस्क फैक्टर्स, दिस यू हैव टू वे ऑन ईदर साइड कि किस चीज़ में पेशेंट की सेफ्टी ज़्यादा है. पेशेंट यही पेशेंट फ़र्ज किया आधे घंटे की ड्राइव पे आए, या अगर घंटे की भी ड्राइव पे आए लेकिन उसको कोई आने जाने का कोई मसला नहीं है, होम हेल्प इज़ अवेलेबल एट टाइम at all times and she is compliant enough to come at any time, or patient asymptomatic hai, sabse badi baat ye ki asymptomatic ho, then she can go home. To isko condition karo with the individual factors. Isme hard and fast rule jo hai na, preferably the patient should stay in the hospital. लेकिन अगर वो compliant है, आपकी instruction को follow कर सकती है, asymptomatic है, जल्दी आ सकती है,
तो फिर उस सूरत में आप उसको घर भेज सकते हैं, वरना नहीं, वरना इसका हॉस्पिटल में रहना ज़्यादा सेफ है। एको भी ठीक है और सारा कुछ फीटल कंडीशन, अगर एको पिछली एको से फ़र्क नहीं है, और इसमें एको में एक तो माइटल वेल्व एरिया तो ज़्यादा स्वेयर उसमें आ गया, और पल्मरी हाइपरटेंशन भी एक रिस्क फैक्टर है, एडिशनल रिस्क फैक्टर, और अगर इजेक्शन फ्रैक्शन इसका 60% अबव है तो दैट इज़ क्वाइट रीअश्योरिंग कि इजेक्शन फ्रैक्शन में कोई ऐसा मसला नहीं है। तो क्योंकि दैट मे बी इवन ड्यू टू ड्रग्स डाइजॉक्सिन की वजह से भी तो उसका इजेक्शन फ्रैक्शन बेहतर हो सकता है, लेकिन फिर भी एट लीस्ट ऑल द पैरामीटर्स ऑन एकोकार्डियोग्राफी आर एनकरेजिंग, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसमें, अगर यही इजेक्शन फ्रैक्शन होता लेस देन 45-40% तो फिर तो नो क्वेश्चन ऑफ सेंडिंग हर बैक होम, फिर आप उसको बिल्कुल नहीं ले जा सकते थे घर। ऐसे पेशेंट की थोड़ी सी लिमिटेड फिजिकल एक्टिविटी भी फिर हो जाती है, ये सब चीज़ें हैं जो फिर आपने इंश्योर करनी होती है, एंड विद सिक्स चिल्ड्रन शी कैन नॉट डू इट एट होम। हाँ जी, At 36 weeks, I will discuss with her breastfeeding, contraception time, and about her elective vasectomy cesarean section. One day before the surgery, I will get her fresh investigation. इन्होंने अल्ट्रासाउंड मुझसे एक दफा नहीं पूछा कि फीटल स्टेटस क्या है। मैंने वैसे जवाब, which is very a deciding factor इस सारी चीज़ में, कि फीटस कितना को अफेक्टेड है। अवर होल फोकस इज ऑन मदर, दो इट शुड बी प्राइमरी फोकस, लेकिन हम उसके साथ साथ बच्चे को तो नहीं भूल सकते। मैडम, तो सबसे पहले मैनेजमेंट तो मल्टी डिसिप्लिनरी होगी, ये सारा कुछ हो गया, आपने एडमिट कर लिया, मल्टी डिसिप्लिनरी है, लेकिन अब ये भी पूछो कि अल्ट्रासाउंड आपने करवाना है उस पर क्या क्या देखना है। सबसे पहले क्या आती है चीज, किसकी डेट, डेट ऑफ स्कैन। अच्छा, डेट ऑफ स्कैन हो गया, ठीक है। देन वायबिलिटी एंड लाइक्रो वॉल्यूम प्लस लोकलाइजेशन एंड बायोमेट्री, फीटल एंड बायोमेट्री, फीटल बायोमेट्री पहले उसकी आप उसको वो तो देखो ना कि कितनी बायोमेट्री एंड एस्टिमेटेड फीटल वेट and then liquor volume and placenta localization. If placenta would be anterior wall ruling, then I would proceed for doppler ultrasound for to rule out morbidly adherent placenta. Madam, is there primary low lying placenta or is not करवाएंगे इसके लिए doppler primary में? देखो, लो लाइंग जहाँ पे भी होता है आप जरूर डॉपलर करवाती हो, क्यों? माइमेट्रियम बहुत थिन होती है लोअर सेगमेंट में, सो द ट्रोफोब्लास्ट कैन इन्वेड इनटू इट, रिजल्टिंग इन एबनॉर्मल एडहेरेंस ऑफ प्लेसेंटा, क्योंकि एबनॉर्मल एडहेरेंस की लो लाइंग प्लेसेंटा में ज़्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू अपर सेगमेंट प्लेसेंटा, और अगर ये इंटीरियरली प्लेस्ड है विद द प्रीवियस सिजेरियन स्कार तो फिर उस सूरत में तो आपने करवाना ही करवाना है, अगेन इंक्रीजिंग द चांसेज ऑफ प्रीवियस स्कार जो है वो इंक्रीज द चांसेज ऑफ एबनॉर्मल एडहेरेंस। मैडम, एक और क्वेश्चन है, ये अब जो रीसेंट गाइडलाइंस है इन्होंने ये बात की है कि जो टीवीएस हम कराते हैं ना वो अगर एक्सपर्ट हैंड्स में होता है तो वो इन्वेजन को पिक कर सकता है, तो डॉपलर टीवीएस सिर्फ इन्वेजन को ही नहीं ज़्यादा पिक कर सकता, वो प्लेसेंटल लोकेशन को भी ज़्यादा पिक कर सकता है। इवन अगर आप एब्डोमिनली अगर प्लेसेंटा की लोकेशन देखो तो 26% फॉल्स पॉजिटिव फॉर लो लाइंग प्लेसेंटा, यानी अगर आप इसको टीवीएस पे देखो और ये होना चाहिए इन आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन वेयर लोअर यूटराइन सेगमेंट स्टार्ट टू फॉर्म, और जो इनिशियली जो लो लाइंग थे वो फिर ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दैट लोअर यूटराइन सेगमेंट, तो टीवीएस रूल्स आउट दोज 26% लो लाइंग प्लेसेंटा डिटेक्टेड ऑन एब्डोमिनल स्कैन। तो टीवीएस इज ऑलवेज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर प्लेसेंटल लोकेशन एज वेल एज फॉर प्लेसेंटल डॉपलर। हाँ जी, कहते हैं कि डॉपलर की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपने सेटअप में डे टू डे हम जरूर करवाते हैं, वो चाहे 100 दफा कहें कि डॉपलर की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपने सेटअप में जरूर करवाते हैं। क्यों? That decides our extent of surgery. That decides about the pre-operative preparation. ये सारी चीज़ें हमने उसको कैसे करना है और हमने कंसेंट टेकिंग चीज़ों में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करनी है, ये सारी चीज़ें उस पर बेस करेंगे। और एब नॉर्मल प्लेसेंटेशन की रीजन्स में और क्या क्या चीज़ें होती हैं? मैडम,
वो उसके अलावा, उसके अलावा प्रीवियस सर्जरी और लो लाइंग और प्रीवियस एबनॉर्मल प्लेसेंडा, वो सारी चीज़ें तो हैं ही हैं. इवन बाज दफ़ा फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, सो इट इज़ मोर कॉमन इन द लो रिसोर्स कंट्रीज. तो हम गाइडलाइन को जब करते हैं ना, तो एप्लीकेबल टू सम एक्सटेंट, नॉट टू होल एक्सटेंट, बिकॉज द गाइडलाइन शुड बी पॉपुलेशन स्पेसिफिक. कि हमेशा मैं बार बार कहती हूँ कि गाइडलाइन को एज इट इज़ आप अपनी पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज दीज गाइडलाइंस आर नॉट मेड फॉर आवर पॉपुलेशन, दीज आर मेड फॉर द वेस्ट पॉपुलेशन. उनकी अपनी डिजीज, स्पेसिफिक डिजीज टाइप के हिसाब से, और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से, और वहाँ जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से. वो तो बच्चा कहते हैं प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया 34 पे निकाल लो, हम तो नहीं निकालते क्योंकि हमारे पास नर्सरी फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं है. सो देयर वी बाईपास द गाइडलाइंस. तो हम गाइडलाइंस को उस हद तक अप्लाई करें जिस हद तक वो हमारी पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल है. ठीक है, जो लेटेस्ट गाइडलाइन है वो ये है कि आप 36 वीक्स तक दो, उसके बाद 30, अगर आप बार बार रिपीटेड करते ना तो उससे ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ना ट्रॉफी होना शुरू हो जाता है, आईक्यू लेवल इफेक्ट होता है. तो इसलिए इस ये जो बार बार डेक्सा देना होता है ना, ये भी और ज़रा सी सस्पिशन हो तो डेक्सा दे दो, ऐसा नहीं है. When there is a strong chances of your interference, या patient is at high chances of going into preterm labor, तो वहाँ पर आप दे दो less than 36 weeks. मैडम 36 weeks के बाद जैसे मतलब हमारे सेटअप में तो अक्सर क्योंकि नर्सरीज अच्छी नहीं होती हैं, तो अगर पेशेंट कोई प्रीटर्म प्रियॉम के साथ आ जाती थी तो हमारे जो थे वो 36 वीक्स के बाद भी दे देते थे. अगर इलेक्टिव सेक्शन में देते ही हैं वो, जो तुम्हें गाइडलाइन भी रेफर करती हैं, लेकिन अगर जैसे वो ग्रे, लेकिन जस्ट वन टाइम दो, वन टाइम, उसको बार बार रिपीट ना करो. ठीक है, लेकिन जो आइडियली जो लेटेस्ट चीज़ है ना वो यही है कि आप 26 से 30 वही जो पुरानी थी उसी पे वापस आ गए. पहले हम ये कहते थे कि 38-39 पे दे दो, अब जहाँ क्योंकि आरडीएस का उस पे भी बेस करता है, लेकिन अगर फर्ज किया पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो उसको तो देने की ज़रूरत ही नहीं है बियॉन्ड 36 वीक्स. उसमें तो ऑलरेडी ड्यू टू दैट स्ट्रेस वो कॉर्टिसोल रिलीज हो ही रहा है, वो विच विल एनहेंस द लंग मैचुरेशन. तो इसलिए उसको इंडिविजुअलाइज करो फॉर गिविंग द स्टीरॉयड कवर. उसमें कि हमने जस्ट वन टाइम देना, ज़रूरत है बहुत स्ट्रॉन्ग तो उसको वन टाइम बस दे दो, और उसको बार बार फिर रिपीट ना करो. ठीक है, आज हमने पेशेंट को मैनेज नहीं कर पाना मुझे ये लगता है. Then I will discuss with her breastfeeding and contraception time and mode of delivery at 36 weeks. And my plan is to 36 weeks पे deliver करोगे? No, I will discuss with her. अच्छा. और breastfeeding contraception time. तो ये उससे अभी क्यों नहीं discuss कर रहे हो, और दो हफ्तों का क्यों wait कर रहे हो? मैं भी दो हफ्तों बाद actually हमें करने की ज़रूरत पड़ जाए. तो why not now? Not providing fetal mineral conditions such as yes. इन्होंने अल्ट्रासाउंड पे एक और चीज़ मेंशन नहीं की, फिर हम अल्ट्रासाउंड पे ही फंसे हैं. हेलो हेलो फर्स्ट टाइम. हाँ जी, चली जाओ वापस, वापस जाओ फिर उधर ही दोबारा, ड्रिप्स उसमें लगने की ज़रूरत है. ठीक है, ORS वगैरह तो अभी ले लो, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर चली जाना. ठीक है, ओके, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, मैं ज़रा अभी क्लास में बिजी हूँ, बाद में फ़ोन कर लेना. ठीक है, ओके, हाँ जी. नहीं, वो तो एस्टिमेटेड फीटल वेट तो हो गया, वो बीटा ब्लॉकर ले रही है, डायूरेटिक ले रही है. व्हाट कैन बी द फीटल कॉम्प्लिकेशन? तो उसमें बच्चे पे क्या इम्पैक्ट होगा इन ड्रग्स का, ये हम क्यों भूल रहे हैं बार बार, और मैं बार बार आपको वापस उस तरफ लेके आ रही हूँ. एनोमली स्कैन, बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर और डायूरेटिक्स क्या कर सकते हैं? IUGR या उससे भी पहले, उससे भी पहले
placental insufficiency कर सकते हैं ना, how it can we can detect it on ultrasound through AFL और ST ratio. यार डॉपलर फ्लो तो कराओ, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर फ्लो पहले कराओ, ठीक है. देखो फीटल सर्वेलेंस के लिए आपने अल्ट्रासाउंड पे फीटल बायोमेट्री देख ली, लाइकर वॉल्यूम देख लिया, एस्टिमेटेड फीटल वेट देख लिया, लेकिन जो एक उसका अंडरलाइंग जो पैथोलॉजिकल फैक्टर है कि कहीं डॉपलर फ्लो में तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो करवाओ. अगर पेशेंट की फीटल हाइट नहीं कोरिस्पोंड कर रही है, इवन देन बिकॉज द पेशेंट इज ऑन दोज स्पेसिफिक ड्रग्स विच कैन कॉज प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी इवन लेटर इन द प्रेगनेंसी. ज़रूरी नहीं है कि अब तक अगर नहीं हुआ तो अब उसके बाद नहीं हो सकता. उफ, ये फ़ोन बड़ा तंग करते हैं भाई. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप डॉक्टर? हाँ जी जी, कैसे हैं आप? हाँ जी जी, मैं बस क्लास ले रही हूँ, बताइए. अच्छा चलिए, मैं फिर आपको कर लेती हूँ, मैं कॉल बैक कर लेती हूँ. ओके क्या मैडम? हाँ जी बताओ. थोड़ी क्वेरी है, ये क्लियर करना है हमें. क्या मैडम, इसमें फिर हम 28 वीक से डॉपलर करवाना शुरू कर दें? जो पेशेंट ड्रग पे है जो कि प्लेसेंटा की सर्कुलेशन को हाइपोपरफ्यूजन की तरफ ले जा सकती है, क्योंकि डायूरेटिक्स आर रिलेटेड विद द प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, क्योंकि वो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन को कम कर रहे हैं, ठीक है. तो इस वजह से उसमें फिर फीटल मॉनिटरिंग, अगर आपके पास ये पेशेंट जल्दी आती है तो आप जल्दी इसका डॉपलर फ्लो कराना शुरू कर देते. अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर इज नॉर्मल, रिपीट इट आफ्टर 3 to 4 weeks, नो नीड टू रिपीट इट फ्रीक्वेंटली. एंड इफ अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर बिकम्स एबनॉर्मल एट द इनिशियल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, तो फिर उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी जल्दी जल्दी हो जाएगी, फिर आप उसको हर हफ्ते भी कर सकते हो. और अगर अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर एबनॉर्मल आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप है एंड डायस्टोलिक फ्लो. नॉर्मल है, नहीं है, एब्सेंट है या रिवर्स है, फिर आपकी आगे से वो चीज़ें उसके हिसाब से चलेंगी. सो फॉर क्लिनिकली देर इज़ नो IUGR, ठीक है, उसमें IUGR वाली कोई चीज़ नहीं है. लेकिन अब वही बात है ना कि फंडल हाइट एस्टिमेशन इज़ जस्ट अ रिलेटिव इंडिकेटर ऑफ फीटल मतलब ग्रोथ, ये कोई एब्सोल्यूट इंडिकेटर तो नहीं है. इट हैज़ लो सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, सो टू बी मोर प्रिसाइज यू हैव टू कैलकुलेट इट ऑन अल्ट्रासाउंड. और जहाँ पे पेशेंट की कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऐसी हो जैसे हाइपरटेंशन है जो कि प्लेसेंटल परफ्यूजन को इफेक्ट कर सकती है, और सम कार्डियक डिजीज़ जो कि जनरलाइज्ड एक इस्कीमिया करती है जिसमें, या कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ जिसमें उस तरह ऑक्सीजन सेचुरेशन इफेक्ट हो सकती है, और इन सीवियर एनीमिया, या फिर वो ड्रग्स जो कि प्लेसेंटल परफ्यूजन को डिले कर सकती हैं लाइक डायूरेटिक, इवन बीटा ब्लॉकर्स, तो उन सारों में आपने फीटल सर्वेलेंस करानी है, नॉट ओनली बाय बायोमेट्री AFI एंड एस्टिमेटेड फीटल वेट, बट ऑल्सो बाय द डॉपलर फ्लो. इनिशियली बाय अम्बिलिकल आर्टरी, उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फ्लो दोनों, और अगर वो इम्पेयर आ जाते हैं देन कम्स द वीनस फ्लोस और मिडल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो. और इसमें बहुत क्लियर हेडेड आपको होना चाहिए कि क्या पैरामीटर एबनॉर्मल होगा तो फिर उसका अगला स्टेप क्या होगा. बाय फिजिकल प्रोफाइल अगेन इज अ रिलेटिव इंडिकेटर, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और उसमें बहुत से वो एक जेस्टेशन स्पेसिफिक भी उसके पैरामीटर्स होते हैं, इसलिए जो है ना वो इस पे डॉपलर फ्लो पे बेस करो जरूरी इस पेशेंट में. मैडम वो ये जो कहते हैं कि क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा टाइम अभी देना है उसको, 2-4 हफ्ते भी देने हैं, तो फिर ये कराना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसी अर्जेंट इंडिकेशन तो नहीं है कि हम इसको थोड़ा सा जल्दी इंटरवीन कर दें. तो वो टाइम जो हमने अभी बाय करना है, वो टाइम जो हमने करना है, वो हमने फिर फीटल सर्वेलेंस के ऊपर भी बेस करना है मॉनिटरिंग पैरामीटर के साथ साथ. अगर डिपेंड करता है पेशेंट आपके पास बुक कब हुई, ठीक है ना. पेशेंट क्रॉनिकली ले रही है, प्री कंसेप्शन ये ड्रग्स ले रही है,
तो फिर तो आपका ये शुरू हो जाएगा 26 वीक से ऑनवर्ड अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर। और अगर फर्ज के इसके साथ उसको हाइपरटेंशन भी एंड ड्रग के साथ, तो रिस्क फैक्टर विल बी डबल्ड। हाइपरटेंशन अगर इसको हो तो फिर 20 वीक्स पे आप उसका यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करवाओ, उसके बाद फिर अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर है। नॉर्मल आ गया रिपीटेड आफ्टर 3 वीक्स, अब नॉर्मल आ गया रिपीटेड आफ्टर 1 वीक, एंड बेस्ड योर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉनिटरिंग ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस और रिवर्सल ऑफ द एंडोस्टोलिक फ्लो। फिर एक ही दफ़ा भी तो अम्बिलिकल आर्टरी कराओगे, क्योंकि क्लिनिकली ये कोरेस्पॉन्डिंग टू जेस्टेशनल एज है इसकी फीटल ग्रोथ जो है। मैम पूछना था कि वो एग्जाम में जो कहते हैं कि डॉक्टर मांगने का भी तरीका है, आपने उसे एसडी रेशो और वो जो फर्टिलिटी इंडेक्स, रेजिस्टेंट इंडेक्स, आपने सिर्फ एसडी रेशो मांगनी है एग्जामिनर से? देखो उसमें सिस्टोलिक फ्लो, एंडोस्टोलिक फ्लो और अमूमन ये पल्सेटिलिटी इंडेक्स एक स्पेसिफिक पैरामीटर होता है इन डॉपलर फ्लो स्टडीज में, जो पल्सेटिलिटी, रेजिस्टेंस इंडेक्स, पल्सेटिलिटी इंडेक्स, ये वो सारी चीज़ें। अगर आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते, आपको नहीं बताना आता कि उसकी क्या इंटरप्रेटेशन क्या है या वैलिडिटी क्या है उसकी डिजीज़ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स में, तो कम से कम ये तो बता सकते हो कि मैं सिस्टोलिक फ्लो अमूमन ठीक ही होता है किसी भी कंडीशन में। मसला एंडास्टोलिक फ्लो के साथ होता है कि या वो नहीं होता, नॉर्मल है या नहीं है या रिवर्स हो गया। यानी कि मैडम एसडी रेशो मांगनी है और फ्लो मांगना है, वेदर नॉर्मल या एबनॉर्मल, और बस इस पे खामोश रहे, अगर आपको आता है तो मांग लें रजिस्टर में, अदरवाइज। चलो जी आप ठीक है, इसका सारा कुछ ठीक है, बच्चा भी ठीक है। मैम देन आई विल प्लान, हमें 1.5 घंटा हो गया इस केस को डिस्कस करते हैं। आई विल गेट हर एनेस्थीसिया फिटनेस, गेट हर फ्रेश इन्वेस्टिगेशंस एंड फ्रेश एकोकार्डियोग्राम। अच्छा आपने इसको आयरन लगाया था? जी मैडम। आयरन के साथ कुछ और भी दिया था? हमेशा जब आयरन लगाओ ना, क्योंकि हर हीमोग्लोबिनाइजेशन के लिए सिर्फ आयरन ही फॉलिक एसिड भी चाहिए होता है, तो जब आप आयरन इंजेक्टेबल देते हो तो फॉलिक एसिड ज़रूर कंबाइन करो, वरना मैक्रोसाइट्स बन सकते हैं। मैडम 10.3 से भी हम पूरा एनीमिया का वर्कअप कराएंगे। 10.3 एनीमिया ही है, माइल्ड एनीमिया उसको हम कहेंगे। देखो पहले स्टोर्स डिप्लीट होते हैं, फिर उसके बाद आयरन कम होता होना शुरू होता है। अगर एडिक्वेट हीमोग्लोबिन भी है, फॉर सपोज एक पेशेंट कहता है मुझे बहुत ज़्यादा ईजी फटिगेबिलिटी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है, हीमोग्लोबिन आप उसकी देखते हैं तो ठीक है, उसमें भी सीरम फेरिटिन कराओ, हो सकता है स्टोर्स बिल्कुल खाली हो। हीमोग्लोबिन तो स्टोर खाली होने के बाद नीचे जाती है, इसी तरह जब हम आयरन देना शुरू करते हैं तो पहले हीमोग्लोबिन रेज होती है, फिर स्टोर्स फिल होते हैं। इसलिए कम अज़ कम हम 3 महीने तक जो एनीमिक पेशेंट्स होते हैं उनके स्टोर्स को फुल करने तक हम ये आयरन दे रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हीमोग्लोबिन ठीक हो जाए तो बस फुल स्टॉप, उसके हमने स्टोर्स को भी फिल करना। मैडम आई विल एकोकार्डियोग्राफी बिफोर सर्जरी एंड ऑल इन्वेस्टिगेशन। अभी तो आपने कराई है एकोकार्डियोग्राफी मैडम 3rd महीने की, और अब जो आपने करवाई है वो एक ही जैसी है। अगर कहीं आधी रात को लेबर में चली जाती है तो फिर then, I'll take anesthesia fitness now. ऐसे एग्जामिनर घुमाते होते हैं, तो इसलिए अपनी जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिस पेशेंट, अब फर्ज किया ये पेशेंट कभी भी पहले प्रीटर्म लेबर में नहीं गई, इसके जो पिछले सेक्शन है वो टर्म पे हुए हुए और उससे पहले कोई लेबर कभी स्टार्ट नहीं हुई, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हर गोइंग इनटू लेबर विल बी मिनिमल नाउ। अगरचे जब कार्डियक डिजीज़ होती है जिसमें पल्मरी हाइपरटेंशन भी, उसमें जनरलाइज्ड ऑक्सीजन स्टेटस भी कम होता है, एक जनरलाइज्ड इस्कीमिक स्टेट वाली चीज़ होती है, वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है फॉर स्टार्टिंग प्रीटर्म लेबर, या फिर उसके साथ अगर सुपर इम्पोज्ड एनीमिया भी हो जाए तो उसमें एक चांसेस होते हैं। तो लेकिन एनेस्थीजिया फिटनेस तो आप अभी की कंडीशन के मुताबिक ले रहे हो ना, वट विल बी द कंडीशन आफ्टर 2 वीक्स यू डोंट नो, 36 वीक्स पे क्या होगी? ठीक है,
तो ये चीज़ ये भी आपने अभी फिर इसको मतलब आपके जहन में होना चाहिए कि इस पेशेंट के अर्ली लेबर में जाने के चांसेस कितने हैं, और वो तभी आपको पता होगा जब आपने पिछली पूरी हिस्ट्री आपको पता होगी, ठीक है? Okay, I will take anesthesia fitness. I will arrange one unit of blood. आप देखो अब सिर्फ आपका 15 मिनट का एक वाइवा होता है, 15 मिनट का एक वाइवा होता है, और जो लास्ट 15 मिनट हैं वो मैनेजमेंट स्पेसिफिक होते हैं. अब ये सारी चीज़ें एक ही वाइवा में डिस्कस नहीं हो रही होती, कोई एक कंपोनेंट पकड़ के तो वो डिस्कस हो सकता है. जैसे इसमें प्री ऑप प्रेपरेशन क्या करोगे, जैसे इसका इंटीरियर प्लेसेंटा है तो उसके लिए आप क्या पहले से प्रेपरेशन करेंगे, या मैनेजमेंट क्या करेंगे. इफ़ यू एनकाउंटर एन इंटीरियर प्लेसेंटा राइट एट द बैक ऑफ द स्कार, या फिर अगर एब्रप्टली पेशेंट ब्लीड करना शुरू हो गया तो उसमें क्या करोगे. तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जो एग्जामिनर की फेवरेट होगी वो पिक करके उसको आपके साथ डिस्कस कर लेगा. सारा केस ए टू जी उस तरह से डिस्कस नहीं हो सकता जैसे हम अभी बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं एट लेंथ. तो उसमें कोई भी एक कंपोनेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन में भी इस तरह किसी एक इन्वेस्टिगेशन या किसी एक एग्जामिनेशन स्टेप पे आपको वो पूछ सकते हैं कि ये आपने क्यों किया, कैसे किया, और इससे आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिली ये चीज़ चेक करने से, या ये सवाल पूछने का मकसद आपका इस पेशेंट में क्या था, ठीक है? I will explain the procedure, its pros and cons, a need for additional procedure and blood transfusion, and will take well informed written consent. I will continue with her usual medication before the day. क्योंकि आपने इसमें ये भी बताना है कि आप सेक्शन कब रहे हो? 38 weeks से. So I will give her steroid cover 48 hours before the day of surgery, and then I will ensure that the patient is entered on the list. I will do pre-op preparations and PO at midnight. Then I will preferably do it as first procedure on the list in the presence of senior anesthetist and my senior colleagues. In the theater, I will ensure right patient, right file after the induction of anesthesia and antibiotics. I will give fenistil incision, and then open the uterus. I will deliver the baby, and then I will see per-operatively condition of placenta. वो कैसे पता चलेगा? मैम, आई हैव ऑलरेडी डन. सिर्फ कंडीशन ऑफ प्लेसेंटा ही नहीं, ओवरऑल आप देखोगे स्टेटस क्या है. एडहेरेंट हो सकती हैं, ब्लैडर बहुत हाई अप हो सकता है, वो एडहेरेंट हो सकता है, ये बहुत सारे इश्यू हैं जो इसमें हो सकते हैं. और आपकी क्लिनिकल एक्सपर्टीज को चेक करने के लिए कोई भी एक स्टेप चेक हो सकता है. जैसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि बहुत ज़्यादा डेंस एडहेरेंट है, हाउ यू विल प्रोसीड, फ्रॉम वेयर यू विल ओपन द पेरिटोनियल कैविटी, या ब्लैडर एडहेरेंट है, अब क्या करोगे इसमें. एक और चीज इसमें बड़ी क्रूशियल थी बिफोर गोइंग फॉर सिजेरियन सेक्शन, एंटीकोएगुलेशन जो दे रहे थे उसको कब स्टॉप करेंगे, वो भी, और कार्डियोलॉजी, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? कार्डियोलॉजिस्ट का भी पूछ लिया, और कॉन्ट्रासेप्शन, कार्डियोलॉजी कॉन्ट्रासेप्शन. मैडम वो मैंने यस बीडीएल की, पेशेंट की इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी एंड दिस कार्डियक प्रॉब्लम एकदम से ख़त्म तो नहीं हो सकता, समथिंग हैज़ टू बी डन, इधर सर्जरी, वेल्व रिप्लेसमेंट, जो भी है. तो अगेन द अदर प्रेगनेंसी विल बी क्वाइट रिस्की, एंड नॉट ओनली दैट शी हैज़ 4 अलाइव इश्यूज एंड दिस इज़ द 5th वन, प्रोबेबली दिस विल बी एन अदर अलाइव इशू. तो वॉट एल्स शी नीड्स, तो उसकी ट्यूबल लाइगेशन के बारे में बड़ी स्ट्रॉन्ग काउंसलिंग करो, ठीक है? स्ट्रॉन्ग काउंसलिंग जब करनी है तो फिर आपने अगर फ़र्ज़ किया कि प्लेसेंटा के बारे में आपको कोई वो उस तरह से नहीं देता, बट नाउ आफ्टर ओपनिंग द पेरिटोनियल कैविटी यू सी दैट एंटीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ बीन ब्लूइश स्टेन, मतलब जिसमें इन्वेडिंग प्लेसेंटा वाली चीज़ आ गई, अब आप क्या करोगे? नॉट डायग्नोस्ड बिफोर दैट, दो यू हैव अरेंज सम ब्लड यूनिट्स उसके अरेंज किए हुए हैं, तो फिर क्या करोगे? मैम इफ देयर आर रूटीन का सेक्शन तो हो गया ना, बस वो बात ख़त्म होगी, आपने बीटीएल भी साथ कर दिया, ठीक है? इसमें बीटीएल ही आपने करनी है. तो लेकिन यह है कि आप उस सिचुएशन आपको सामने नज़र आ जाती है कि जिसमें इन्वेडिंग प्लेसेंटा
or sinuses, dilated vessels over the anterior surface of the uterus. Yes, madam. Then, madam, I will do prophylactic uterine, bilateral uterine artery ligation. पहले कर दो के मैम ये भी एक किसी ने कहा है कि पहले भी कर सकते हैं चलो ठीक है कर ली और उससे भी ज्यादा बेहतर तरीका क्या है उसके फंडस से खोल लो उसको मैम वो तो हीमोस्टेसिस क्योर करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता आपने उसका लिगेशन करनी है और आपने लिगेशन किया अब इसमें तो अगर इन्वेडिंग प्लेसेंटा है तो उसमें तो आपने हिस्टेक्टमी पे ही जाना ठीक है ना उसमें तो फिर सीधी सीधी हिस्टेक्टमी ही होती है आप उसको फंडस से खोलोगे बच्चा निकालोगे और साथ यू विल प्रोसीड फॉर हिस्टेक्टमी ठीक है अगर इतना है बाज दफा ऐसा भी होता है कि जो प्लेसेंटा पर क्रीटा है उसमें तो हीमोपेरिटोनियम तक भी होता है क्योंकि पर क्रीटा का मतलब है कि होल ऑफ द मायोमीट्रियम ओवर दैट प्लेसेंटल साइट हैज बीन इन्वेडेड बाय ट्रोफोब्लास्ट एंड देयर इज नो मोर एनी मायोमीट्रियम तो वो प्लेसेंटा ही पोर आउट कर रहा होता है तो उस केस में तो आप उस यूट्रस को बचा ही नहीं सकते तो वहां से आपने फंडस से खोला बच्चा बाहर निकाला एंड यू प्रोसीड फॉर हिस्टेक्टमी और कम अज कम उसमें फिर आप यूट्राइन आर्टरी लिगेशन वाली चीजें नहीं करते क्योंकि आप उसमें सीधा क्लैंप ही लगा देते हैं फिर क्योंकि आप जरा सा भी नीडल कहीं से लेके जाओगे तो वो एक वैसे क्योंकि वो प्लेसेंटा है बस और कुछ नहीं है ठीक है तो इस तरह के सवाल भी अकॉर्डिंग टू द विश एंड डिजायर ऑफ द एग्जामिनर हरसेल्फ वो भी पूछे जा सकते हैं और इन सवालों के पूछने का मकसद ये होता है खास तौर पे क्लिनिकल जो आप प्रोसीजर करते हैं उनका कोई एक स्टेप उठा के पूछ लें कि आपने काम कितना किया हुआ है तो जिस तरीके से आप बता रहे होते हैं ना उससे पता चलता है कि आपने कितना काम और वो किसके साथ किया हुआ है अनलेस के जो है वो जहाँ पे राइट टू लेफ्ट शंट वाली बात होती है तो तब तक हम इसमें मोड ऑफ डिलीवरी हमारा यूजली वजाइनल ही होता है ठीक है तो जहाँ पे ट्रांसपोजिशन ऑफ वेसल्स हो गई फैलेट स्टेट्रोलॉजी हो गई ये सारी जो चीज आइसन मैंगन सिंड्रोम हो गया जहाँ पे ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी कार्डियक आउटपुट इज ऑलमोस्ट डबल टू दैट इन द प्रेगनेंसी तो वहाँ पे वो वाला एकदम से हाई कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की तरफ ले जाता है तो वो वाली चीज़ बचाने के लिए फिर आप उसमें इलेक्टिव सेक्शन करते हो अगरचे इलेक्टिव सेक्शन में भी इंट्यूबेशन एंड एक्सट्यूबेशन आर द हाई टाइम फॉर हाइपरटेंशन लेकिन जो एक पेशेंट का अपना जो एक वो होता है ना एक लेबरिंग प्रोसेस में जो कार्डियक आउटपुट राइज करता है परसिस्टेंटली फॉर आवर्स एंड आवर्स फर्स्ट स्टेज में ये 6 लीटर तक चला जाता है और सेकंड स्टेज में ये 8 लीटर्स तक चला जाता है एज़ कम्पेयर टू 4 लीटर्स इन अ नॉन प्रेगनेंट पेशेंट तो ये एक डिजीज्ड हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा यही वजह है कि पेशेंट जो मॉडरेट माइटल स्टेनोसिस वाले हैं बट देर इज़ नो पल्मरी हाइपरटेंशन वहाँ पे आप विजाइनल डिलीवरी भी जब करते हैं तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन एक ज़रूरी क्राइटेरिया होता है एंड द सेकंड थिंग इज़ टू कीप हर इन नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस बाय गिविंग इंजेक्शन फ्रूसेमाइड इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर सो दैट द पेशेंट बिकम्स नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस में चला जाए बिकॉज आफ्टर प्लेसेंटल सेपरेशन व्हेन 500 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज इन्फ्यूज्ड इनटू द वेस्कुलर सिस्टम तो वो उसको ऑलरेडी कॉम्पनसेट करने के लिए हमने नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस क्रिएट किया हुआ मैडम अगर फिर ये लेबर में नहीं जाएगी हम इसे इंड्यूस भी करेंगे नहीं हाँ इंडक्शन कर सकते हैं उसमें कोई मसला तो नहीं है देखो वो टाइम डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स और फीटल क्राइटेरिया वो उसमें भी कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि 38 या 39 या 40 मैडम आप ये नेगेटिव आपने कैसे मैं आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी हीमोस्टेसिस इज क्योर बायलेटरल ट्यूबलाइजेशन इज डन इफ पेशेंट हैज गिवन इट्स कंसेंट एब्डोमेन इज क्लोज्ड तो ट्यूबलाइजेशन एंटीकोएगुलेंट वो ले रही है उसके हिसाब से आपने वो सारी चीजें करनी है पहले से ब्लड की अरेंजमेंट उस हिसाब से एनेस्थीजिया फिटनेस उस हिसाब से कार्डियोलॉजिस्ट टू बी ऑन द फ्लोर उस हिसाब से तो ये सारी चीजें हैं जो आपने एड्रेस करनी है इस पेशेंट में खास तौर पे ठीक है ये तो एनेस्थेटिक डिसाइड करता है ना अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर डिजीज
I will shift the patient to a high dependency unit where her vital. मेरा ख्याल है इसके बाद तो अब इतना कुछ नहीं है कि you encourage the breastfeeding, आपने wound care और ऐसे patients में even the postpartum period is not without risk. Fluid reshifting सारी हो रही होती है. तो इसलिए जो है ना वो इसमें पोस्ट पार्टम पीरियड भी कम से कम 48 आवर्स तक के लिए तो उसका आईसीयू में रहना बहुत ज़रूरी है. और उसके बाद फिर पेशेंट जब स्टेबल हो तो आप फिर उसको घर भेजते हैं, क्योंकि ये क्लास 4 का पेशेंट था. और अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो फिर आपने आप उसका पेशेंट का स्टे आईसीयू में ज़्यादा भी बढ़ सकता है. ठीक है, तो वो सारी मॉनिटरिंग जो हमने प्रेगनेंसी में भी चलाई थी दैट विल बी कंटिन्यूड इन the postpartum period also because all the drugs will be continued. ठीक है मैडम, जो पिछली डिस्कशन हुई है उनमें मैडम एक मुझे जो प्रॉब्लम आई थी कि एक दफ़ा मैंने एग्जामिनर को बोला था कि यूट्राइन आर्टरी जो डॉक्टर है मैं वो करवाऊंगी, तो मुझे एग्जामिनर ने आगे से कहा था कि आप कोई रिसर्च कर रही हैं. मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा कि क्या एंटीसिपेट करूँगी, क्या तुम फिर उसके बाद इसके अम्बिलिकल आर्टरी डॉक्टर नहीं करवाओगी. देखो यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करवाने का आपको पहले तो ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि आप करवाना क्यों चाह रहे हैं. जहाँ पे पेशेंट क्रॉनिकली हाइपरटेंसिव हो, ठीक है, जहाँ पे प्रीवियस स्वेयर आईयूजीआर या आईयूडी के रिस्क फैक्टर्स हों वहाँ पे आप करवाते हैं, क्योंकि देन इन दैट केस यू हैव टू स्टार्ट प्रोफाइलेक्टिक एंटीकोएगुलेशन बिफोर टाइम, बिफोर 20 वीक्स एंड आइडियली बिफोर 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. 20 वीक्स पे हम इसलिए करवाते हैं डॉक्टर फ्लो के जो उसकी सेकेंड वेव ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन है वो 20 वीक्स पे कंप्लीट होती है. तो उससे पहले एबनॉर्मली रेस्ड यूट्राइन आर्टरी डॉपलर आ सकते हैं. But in the cases with previous significant history of severe IUGR या फिर IUD है या फिर severe hypertension या chronic hypertension, तो उन cases में आप uterine artery doppler कराने से एक predictability आपको पता चल जाती है. अगरचे उससे overall management आपकी change नहीं होती सवाए इसके कि आपने एंटी कोएगुलेंट जो हैं जैसे आप एंटीप्लेटलेट दे दो, या एंटी कोएगुलेंट इन ट्रू सेंस लाइक क्लेक्सिन है या हेपरिन है, वो आप बिफोर टाइम शुरू कर सकते हो. अब अगर एस्पिरिन है तो उसका स्टार्टिंग टाइम शुड बी डेफिनेटली प्रायर टू 20 वीक्स, तब ही उसका फ़ायदा होता है एंड आइडियली बिफोर 16 वीक्स. बट द क्लेक्सिन कैन बी स्टार्टेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग जेस्टेशन, एनी टाइम उसका कोई उस तरह से जब भी पेशेंट आपके पास आए एंड शी इज़ एट हाई रिस्क फॉर प्लेसेंटल इनसफिशेंसी या फिर हाइपरटेंशन है या फिर वो प्रीवियस आईयूजीआर है या प्रीवियस आईयूडी है, क्लेक्सिन स्टार्ट देयर एंड देन. तो वो किसी भी टाइम पे आप शुरू करोगे तो वो फ़ायदेमंद होती है, बिकॉज सम टाइम इन केसेस ऑफ सीवियर हाइपरटेंशन खासतौर पे जहाँ पे डायस्टोलिक हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, देयर आर आल्सो हाई चांसेस ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन. तो क्लेक्सिन जो है इज अ बेटर थिंग टू मैनेज द प्लेसेंटल एब्रप्शन, क्योंकि प्लेसेंटल एब्रप्शन की वजह अमूमन प्लेसेंटल इस्कीमिया होता है ड्यू टू पोअर वेस्कुलराइजेशन ऑफ द प्लेसेंटा एंड द हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द प्लेसेंटा. बट एस्पिरिन ऑन द अदर हैंड predisposes more to the retroplacental hemorrhages, जबकि क्लेक्सिन के साथ ये predisposition कम होती है और इसमें placental perfusion जो है वो ज़्यादा बेहतर हम maintain कर सकते हैं. मैडम exam purpose के लिए हम इसको बोलें या रहने? उसमें सिर्फ predictability की हद तक है, और इस हद तक है कि आपने एक चीज़ predict कर ली, आप anticoagulant को पहले से ही शुरू कर दो rather than to start late, क्योंकि बाकी ज़ाहिर 26 वीक के बाद तो यूटराइन आर्टरी का रोल ख़त्म हो जाता है, देन कम्स द रोल ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर. तो मैडम मुझे मेरे एग्जाम्पल में आगे से कहा था कि पेशेंट के पहले दो आईयूजीआर बच्चे जिनकी डेथ हो चुकी हुई है, उसको प्री क्लैम्पशिया रहा है, तो क्या आपको कुछ और चीज़ चाहिए प्रेडिक्ट करने के लिए? आप यूटराइन आर्टरी डॉपलर क्या कोई रिसर्च कर रही हैं? तो देखो नहीं, अब हम बाज़ दफ़ा किसी एक सवाल को बहुत स्टैंडर्ड बना लेते हैं. अब एक ही सिचुएशन को इंटरप्रेट करने का या उस पर सवाल पूछने का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम एग्जामिनर टू एग्जामिनर. उसकी कोई इंक्लिनेशन हो सकती है टुवर्ड्स सर्टन सब्जेक्ट मोर स्पेसिफिकली, लेकिन अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को
زیادہ بہتر ڈسکرائب کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی بھی وجہ نہ سمجھ آ رہی ہو تو آپ کم از کم گائیڈ لائن کے اوپر ذمہ داری ڈال سکتے ہو. اگرچہ گائیڈ لائن کے بارے میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں, مطلب بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ گائیڈ لائن ہمارے اوپر کتنی گو اپلیکیبل ہے, لیکن جہاں پہ کچھ بھی نہ چیز سمجھ آ رہی ہو اور یو آر 100% شیور کہ یہ ایویڈنس بیسڈ ہی آپ نے بات کی, تو آپ یہ کہہ دو کہ ریسرچ شوز, میں ریسرچ نہیں کر رہی لیکن ریسرچ شوز, یا یہ جو اسٹڈیز ہیں یا جو گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس کو اس طرح سے کرنا چاہیے, دس از اے بیٹر وے ٹو ڈو اٹ. فار دا پریڈکشن جو ہے وہ ایک یوٹرن آرٹری ڈاپلر کا رول ہے, اور خاص طور پہ جہاں کوئی پریویس اس طرح کی اسپیسیفک ہسٹری ہے تو وہاں پہ بھی یوٹرن آرٹری کا ڈاپلر ہے ایز اے پریڈکشن, اینڈ ایز ٹو اسٹارٹ ود دا اینٹی کوئگولنٹ بیفور 20 ویکس آف جیسٹیشن. میڈم, اور ایک اور دو گرے ایریاز ہیں, ان میں یہ ہے کہ جیسے گائیڈ لائنس, یہ گائیڈ لائنس ہی ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ کی جب ایس ٹی ریشو جو ہے وہ ایبسینٹ ہو گیا تو آپ نے پیشنٹ کو ایبسینٹ ہو جائے تو ایس ٹی ریشو ایبسینٹ نہیں ہوتی, یو ہیو ٹو بی اسپیسیفک. سسٹولک کبھی بھی ایبسینٹ نہیں ہوتا, سسٹولک تب ایبسینٹ ہوگا جب آئی یو ڈی ہو جائے گی. تو ایبسینٹ ہے تو آپ اس کو 4-7 ڈیز تک چلا سکتے ہیں, ریورس ہے تو 48 آورس تک چلا سکتے ہیں, لیکن جیسے اب ہم اپنے سیٹ اپ میں جہاں پہ ہم نے ٹریننگ کی ہوئی ہے تو وہاں پہ ریورس کو یا ایبسینٹ کو تو چلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بس اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مانیٹرنگ فیسلٹیز اپڈیٹڈ نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ پیرامیٹر نہیں ہے ان ویو آف سو مینی برڈن آف دا پیشنٹس, اتنے ہمارے پاس پیشنٹس ہوتے ہیں, مانیٹرنگ فیسلٹیز ہمارے پاس کم ہوتی ہیں, تو ہم اس میں کوئی چانس نہیں لیتے, ہم رسک نہیں لیتے, تو ہمیں یہ بھی نہیں ہوتا کہ پروگریشن آف دیٹ پرابلم ول بی ہاؤ ریپڈ. اور اس لیے جہاں پہ پہلا پیرامیٹر آ گیا فار دا پور پلیسینٹل پرفیوژن ان ٹرمز آف ایبسینٹ اور ریورس اینڈ ڈائسٹولک فلو, ہم وہاں پہ پریگننسی کو اینڈ اپ کر دیتے ہیں, بٹ دیٹ شوڈ بی ود پراپر اسٹیرائڈ کور اور پراپر نرسری فیسلٹیز اور پراپر ایکسپرٹیز. ٹھیک ہے, تو یہ پھر اس میں آپ اس کو کر سکتے ہو کہ گائیڈ لائن تو یہ کہتی ہیں لیکن ہمارے پاس نرسری فیسلٹیز بھی کم ہیں, ہمارے پاس مانیٹرنگ فیسلٹیز بھی کم ہیں, یہ ساری ڈیفیشنسیز ہیں. تو اگر ہم نے چونکہ یہاں پہ کام کرنا ہے, اسی سیٹ اپ میں رہنا ہے, تو ہم نے اپنے سیٹ اپ اپنے پاپولیشن کے حساب سے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. ہاں جی, جو لوپین وہ تو مجبوری ہے نا, یہ تو ہم ایک آئیڈیل سچویشن کی بات کر رہے ہیں, پیشنٹ آیا گیا تو ہم 16 ہفتے پہلے تو نہیں جا سکتے نا. اگر پیشنٹ ہمارے پاس آ گیا 24 ویکس پہ تو تب لوپرین کرنے کا اتنا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. اگر اتنی اسٹرانگ نیڈ ہے اس پیشنٹ کی, جیسے پیشنٹ سویئرلی ہائپر ٹینسی پہلے تھی, سویئر آئی یو جی آر پہلے تھا, آئی یو ڈی پہلے تھیں, تو پھر بہتر ہے کہ کلیکشن شروع کر دو, اگر کاسٹ افیکٹونیس کا ایشو نہ ہو تو, ورنہ وہ دوسری ہیپرین بھی شروع کر سکتے ہو. اور اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا, پیشنٹ نان کمپلائنٹ ہے, تو پھر لوپرین ہی دے دو. لیکن وہ کیسز جہاں پہ سویئر آئی یو جی آر پہلے رہا ہو, وہاں پہ لوپرین کی ڈوز پھر 75 نہیں ہوتی, پھر 150 ہوتی ہے, پھر آپ اس کو ڈبل کرتے ہیں پھر. ٹھیک ہے, تو ایک ہوتی ہے آپ کی پہلی آپشن, پھر دوسری آپشن, پھر تیسری آپشن. ہاں, کیا کریں گے, ڈبل کب کریں گے, جب پریویس آئی یو جی آر ہے یا پریویس آئی یو ڈی ہیں, سویر آئی یو جی آر تھا, تو اس صورت میں پھر آپ لوپرین کو ڈبل ڈوز میں دو گے. میم, اس طرح جو گائیڈ لائن میں ہے کہ آئی یو جی پری ٹرم آئی یو جی اس میں ایس جی ریشو کا خراب آتی ہے تو ہم ڈاکٹرس بھی نرس ڈاکٹر کرواتے ہیں پری ٹرم کے لیے 2 ٹائملی ڈلیوری, اور ٹرم آئی یو جی آر کے لیے ہم کرواتے ہیں مڈل سیلبر آرٹری اور مکس. تو میم, یہ ہم ایگزام میں بولنے ہی یا نہ بولے ہیں, کیونکہ ہم اپنے سیٹ اپ میں نہیں کرواتے ہیں. عموماً ہم نہیں کرواتے, لیکن بات یہ ہے کہ بچہ پری ٹرم ہے, سپوز 30 ویکس کا بھی ہے, آپ نے آئی ڈیکسا لگایا, اس کا ایبسینٹ اینڈاسٹولک فلو آ گیا, اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو میں نکالوں نہ نکالوں, وہ ایک کوئری ہمیشہ رہتی ہے. تو کم از کم ڈاکٹر سوینوسس آپ کو بتا دے گا فار دا ارجنسی آف سچویشن. ٹھیک ہے نا, اگرچہ ہم ریورس پہ کام دے ہی لیتے ہیں, ہم آگے جاتے نہیں ہیں عموماً, لیکن اگر ایسی سچویشن ہو کہ آپ کو پیشنٹ کو ان یوٹرو ٹرانسفر میں پرابلم ہے, یا آپ نے ڈیکسا دینا ہے, یا اور کوئی اس طرح کا پرابلم ہے, تو ڈاکٹر سوینوسس کا فلو دیکھ کے آپ اس میں ارجنسی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہو, کیونکہ وہ آپ کو صحیح ایسیڈیمیا والی سچویشن بتائے گا. اینڈ سو از ایٹ دا ٹرم پریگننسی, کہ وہاں پہ امبلائیکل آرٹری ڈاپلر ٹھیک آ گیا, وہ لیٹ ٹو بی کمپرومائزڈ,
but the initial reading will be middle cerebral artery flow compromise because isliye ke middle cerebral artery flow will indicate the stage of hypoxemia and acidemia at very initial stages. तो टर्म के बच्चों में जो है वो फिर हम उस पर डिसाइड करते हैं, लेकिन अमूमन हम प्रैक्टिकली इसको नहीं कर रहे होते. सो बेटर नॉट टू टॉक अबाउट इट. अगर कोई एग्जामिनर पूछे कि अच्छा इसमें गाइडलाइन क्या कहती हैं या साइंटिफिक एविडेंस इसमें क्या है, देन यू कैन स्पीक अबाउट इट. लेकिन वो चीज़ें ना करो जो प्रैक्टिकली नहीं करते, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस का भी इशू होता है. हम अपने सेटअप में कितना पब्लिक हॉस्पिटल में अगर देखो तो हम वहाँ नहीं करवाते. इवन हम अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में भी हम कहाँ इस तरह के, जब पेशेंट का रिवर्स आ गया या एंड भी आ गया, हम तो वहीं वहीं पे एक वार्निंग, एक रेड अलर्ट हो जाता है. तो इसलिए सिर्फ डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पूछे एविडेंस बेस्ड या साइंटिफिक एविडेंस, तो फिर उसमें आपको पता होना चाहिए, नॉलेज ज़रूर होना चाहिए.